बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्लॉग्स फ्रॉम अबू धाबी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज मैं आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी मसालेदार आलू मेथी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चले जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 to 3 ग्रीन चिलीज ली हैं, 1 टोमेटो मैंने लिया है और 2 मीडियम साइज़ मैंने पोटैटोज़ लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास 1 बाउल मेथी पड़ी हुई है, उसको मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई करके कट करके मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था। आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 ही मीडियम साइज़ मैंने यहाँ पर ओनियन लिए हैं। तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से आप कट कर लें और जितने भी साइज़ में आप कट करना चाहते हैं। पोटैटोज़ वगैरह को कुछ लोग बारीक बारीक डालते हैं और कुछ लोग बड़े साइज़ में डालना पसंद करते हैं, तो आप डाल लें। और मसालों में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिली और 1/2 ही टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है, क्योंकि मैंने साबुत ज़ीरा भी डाला था इसमें। तो सबसे पहले हम पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से हीट अप करने के बाद हम इसमें अपने ऑनियंस कट करके डालेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 2 मीडियम साइज़ ऑनियन लिए थे उसको मैंने कट करके डाल दिया है। प्याज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लाइट ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। तो 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल लें आप भी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ज़ीरा भी फ्राई हो जाए 1 मिनट के लिए। तो ज़ीरा यहाँ पर हमारा फ्राई हो चुका है। मैंने यहाँ पर जो एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, वो मैंने इसमें कट करके डाला है। और उसके साथ ही हमारे पास 3 ग्रीन चिलीज थी, उसको भी मैंने कट करके साथ डाल दिया है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और आप इसको ढक के भी पका सकते हैं 1 मिनट के लिए कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे टमाटर जो है वो गल चुका है और मसाला अच्छी तरह से एक जान हो चुका है। तो मसाले को अच्छी तरह से रेडी कर लें। और मेथी का यह है कि इसमें हमें मसाले को बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है, खड़ा खड़ा मसाला भी इसमें अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो सारे मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छी तरह से आप मिक्स करें कि स्पाइसेस अच्छी तरह से मसाले के साथ जो है वो मिक्स हो जाए और उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो हमने 2 मीडियम साइज पोटैटोज़ लिए थे उसको आप यहाँ पर डालेंगे। आलू डालने के बाद हम आलू की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। और उसके बाद यहाँ पर इस स्टेज पर हम अपनी मेथी ऐड करेंगे। मेथी को ऐड करने के बाद भी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, मेथी अपना कलर चेंज कर ले। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर दम पर रख कर भी पका सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आलू अच्छी तरह से आपके गल जाए और थोड़ा सा मसाला भी रेडी हो जाए, जिस तरह के हम लोग आलू मेथी मसाले वाली बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी डाल के इसको कवर करके रख दिया था। तो मेथी बहुत अच्छी कुक हो गई थी और आलू भी गल चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल भी बहुत अच्छा ऊपर आ गया था। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी रेडी है, बहुत ही मज़ेदार। और थोड़ी बहुत ये स्पाइसी भी बनाई थी मैंने, तो स्पाइस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।